अगर आपको नौकरी के लिए बार बार राज्य बदलना पड़ता है, तो अब अपनी गाड़ी के ट्रांसफर को लेकर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने नए राज्य में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन फिर से कराने की जरूरत खत्म करने के लिए नया रजिस्ट्रेशन मार्क भारत सीरीज BH सीरीज शुरू किया है। 26 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत सीरीज में नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। पहले ये जानते हैं कि अभी क्या होता है। अभी दूसरे राज्य में गाड़ी ले जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत 1 साल के भीतर वहां उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। गाड़ी मालिक को नए राज्य में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पुराने राज्य से NOC लेना पड़ता है। उसके बाद उन्हें नए राज्य में प्रो राटा बेसिस पर रोड टैक्स देना पड़ता है। फिर पुराने राज्य से रोड टैक्स रिफंड लेना पड़ता है, जिसका प्रोसेस बहुत ही थकाऊ होता है। इसके कारण ज्यादातर लोग दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदने के बाद भी न तो पुराने राज्य से NOC लेते हैं और न ही नए राज्य में प्रो राटा बेसिस पर रोड टैक्स ही देते हैं। पकड़े जाने पर ट्रैफिक पुलिस को कुछ ले देकर मामले का वहीं निपटारा कर लेते हैं। वे पुराने राज्य से रोड टैक्स रिफंड के झंझट में नहीं पड़ते। इससे एक तरफ राज्य सरकार को राजस्व की हानि होती है, तो वहीं गाड़ी मालिकों को भी सड़क पर निकलने पर पकड़े जाने का डर बना रहता है। वहीं यदि इन गाड़ियों से कोई क्राइम हो तो पुलिस की माथापच्ची बढ़ जाती है। भारत सीरीज में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा डिफेंस पर्सनल, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के एम्प्लॉय, स्टेट एवं सेंट्रल PSU और निजी क्षेत्र की कंपनियों और संस्थानों को स्वैच्छिक रूप से दी गई है। निजी क्षेत्र की उन कंपनियों और संस्थानों के कर्मचारी यह सुविधा ले सकते हैं जिनके दफ्तर 4 या ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में है। अब आइए जानते हैं कि रोड टैक्स कैसे लगेगा। BH सीरीज की गाड़ियों पर एक बार में 2 साल का रोड टैक्स लगेगा। आगे भी यह 2 साल के हिसाब से लगता रहेगा। 14 साल पूरे होने के बाद रोड टैक्स सालाना लगने लगेगा, यानी पहले चुकाए जा रहे टैक्स की रकम का आधा देना होगा। अब आइए जानते हैं कि BH सीरीज नंबर प्लेट कैसे जनरेट होती है। तो आपको बता दें, रजिस्ट्रेशन की जो पोर्टल है वहां पे रैंडम तरीके से ये सीरीज जनरेट किया जाता है और यहाँ पर किसी को प्रेफरेंस नहीं मिलता है। चाहे कोई भी हो, कोई ना कोई रैंडम नंबर ही जनरेट होगा। तो आइए अब जानते हैं कि उसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो इसमें पहले जो 2 अंक होते हैं, जिस भी साल में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है उसके अंतिम 2 अंक, जैसे कि अगर 2021 है तो 21 पहले 2 अंक ये हो जाएंगे। फिर आता है हमारा BH, अक्षर B और H। उसके बाद 4 और अंक होते हैं जो कि रैंडमली जनरेटेड होता है। उसके बाद 2 अक्षर होते हैं, जैसे AB, CD, MN, OP, कुछ भी हो सकता है, ये भी रैंडमली जनरेट होता है। आपको इसका एक एग्जाम्पल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब यह जानते हैं कि BH सीरीज नंबर प्लेट प्राप्त कैसे करेंगे। भारत श्रृंखला की नंबर प्लेट वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार, रक्षा और कुछ अन्य बड़े संगठनों के लिए उपलब्ध है जिनके कार्यालय 4 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित राज्यों में है। धीरे धीरे नंबर प्लेट श्रृंखला काफी हद तक सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी, अंततः उनके जीवन को आसान बना रही होगी। एक और बात बता दें, BH सीरीज की नंबर प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल से 2% चार्ज कम लिया जाएगा और डीजल वाहनों से 2% चार्ज ज्यादा लिया जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें। इससे हमें YouTube एल्गोरिदम में थोड़ी मदद मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।